अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्यू को देखना है यूजिंग फॉर लूप। तो आज जो हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है वो किसके ज़रिए देखनी है, फॉर लूप के ज़रिए देखनी है, ऑफ क्यू यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो जो काम करना है हमने इसके ज़रिए करना है। तो जो कोड था हमने इसी को आज मॉडिफाई करना है। और आप लोगों को याद होगा जो स्टैक का जो मैंने कोड करवाया था फॉर लूप वाला, बिल्कुल एज इट इज़ कोड है। ठीक है, बस आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी थी। वो क्या थी? वो फॉर लूप का इस्तेमाल। तो फॉर लूप को किस तरह अपेंड करवाना है, इसको सॉल्व करवाना है, इसके काम को, तो वो देखते हैं। तो जो सारा का सारा काम है क्यू का वो बिल्कुल सेम था, यहाँ पर आपको सिर्फ ऐड करना था। तो आज हम इस कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि आज की वीडियो को ज़्यादा लंबी होना और जल्दी से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर लिखना है और इसकी रेंज देनी है। ठीक है, इसकी रेंज आपने दे दी। रेंज क्या दे रहे हैं आप? मैं इसकी रेंज को दोबारा 4 ही दे रहा हूँ। एंड इसको मैं कहना चाह रहा हूँ कि बस ये 4 मरतबा वो करे, रेंज ले और इसको क्या कर दे, अपेंड करवा दे। इसको क्या कर दे, अपेंड करवा दे। तो बिल्कुल इस तरह का आपका काम हो गया। अब आपको काम क्या करना था डी क्यू के लिए? डी क्यू के लिए भी हम चाह रहे हैं कि एक फॉर लूप चलाएं जो कि चले कब तक, सेल्फ डॉट क्यू तक, जो उसकी लेंथ है फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो कब तक चले, जो लेंथ है उसकी इस क्यू की वहाँ तक चले। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, सेल्फ डॉट क्यू, क्यू हो गया, सेल्फ डॉट क्यू तक चलेगी। ठीक है, अगर वह एम्प्टी निकल आएगी बाई चांस तो वो आपको एम्प्टी प्रिंट करवा के दे देगा, अदरवाइज आपको पॉप करवा के दे देगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आपको काम करना है और इसको आगे की तरफ शिफ्ट करवाना है। तो टैब दबा के इसको मैंने आगे की तरफ ले आया। ठीक है, और एन क्यू के अंदर आपको मालूम है दोबारा वही काम करना था। तो आपको जो इनपुट है, अगर आप चाहते हैं कि आप यूज़र से लें, ठीक है, तो आप वन बाय वन करके अपेंड करवाते जाएँ, वरना यहाँ पर आप एक्स लिख कर, अगर मैं आपको इस तरीके से बताना चाहूँगा, एक्स लिखें और आप यहाँ पर आके प्रिंट करवाते जाएं, तो आपके 4 मरतबा जो वैल्यूज हैं वो चली जाएंगी। बट आप अगर यूं चाह रहे हैं तो यूं हो जाए लिख कर, तो आप क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू इंटीजर आपको अगर लेना है या जो भी आपको फ्लॉट लेना है तो आप इसे ले सकते हैं। क्या लिखना है, इनपुट, क्योंकि हम यूज़र से ले रहे हैं इनपुट। एंड यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि एंटर द वैल्यू। ठीक है, एंटर द वैल्यू और आपको यहाँ पे वैल्यू को अपेंड करवाता जाएगा। तो चलिए अब इसको ज़रा रन करवाते हैं और इसके सिनेरियो को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आपने क्यू को करवाया हुआ ऐड, तो आपको लिखना क्या है, एस डॉट ई एन क्यू। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, क्योंकि आपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं देना तो इसलिए आपने ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो आपको यहाँ पर वैल्यू दे दी, तो आपने यहाँ पर डाल दो 2, देन 6, देन 8 एंड देन 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा पॉप का ऑपरेशन। जैसे ही मैंने पॉप का ऑपरेशन, सॉरी यहाँ पे पॉप का ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे डी क्यू का ऑपरेशन है, तो काफ़ी ज़रा निकल जाता है पॉप का। तो डी क्यू जैसे ही इस्तेमाल करूँगा तो देखें सर, फॉर लूप के ज़रिए सबसे पहले उसने क्या अपेंड करवा दिया आपका, जो स्टैक था 6, 8 और 1, फिर 8 1 बचा 1 और 1। ठीक है, देखें आपके पास क्या चीज़ थी, आपके पास 2, 6, 8, 1। सबसे पहले यहाँ से क्या रिमूव होना चाहिए, क्यू के अंदर 2, क्योंकि 2 सबसे पहले आया था। तो देखते हैं, अंदर 2 सबसे पहले आपका रिमूव हो गया। 2 के बाद आया था, 2 के बाद आपका 6 था, तो 6 आया, देन 6 को इसने रिमूव करवा दिया, देन 8 था, 8 रिमूव हुआ, फिर 1 बचा और लास्ट में स्टैक क्यू एम्प्टी। तो आज का कोड बिल्कुल इसी तरीके का कोड था और इजी कोड था। और अगर किसी को इसके अंदर फॉर लूप के अंदर प्रॉब्लम है कि किस तरीके से काम कर रहा है, तो आप इसको यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर आके सिंपल अपनी रेंजेस को ऐड भी करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्स दे दिया। अगर किसी को प्रॉब्लम है शुरू में इस तरह करने की, तो आपको बार बार रेंजेस खुद देनी पड़ेंगी। और इसका बल्कि एक नुकसान ये है कि आप एक ही मरतबा रेंज दोगे और वो सारी की सारी वैल्यू एज इट इज़ सेम वैल्यूज अपेंड हो जाएंगी। तो बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी जो इनपुट हैं वो फॉर लूप के अंदर दें, ताकि जो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े, तो आप इस तरीके से अपना काम को कर सकते हैं।
और इस वीडियो के अंदर कुछ भी मतलब हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।